तो ये रही 1700 की, तो वहाँ पे इसकी एक पावर ड्राइव वीडियो। चलिए गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, जैप मोड एक्टिवेट, पावर ड्राइव वीडियो बनाते हैं। आ जाओ जा, जूम मोड में तो बहुत पावर प्रोड्यूस कर रहा है। तो हां जूम स्पॉट मोड है ना, हां कस्टमाइज भी हो जावे ना मोड है। हां सस्पेंस में आवाज कैसी आवाज आ भाई, हां दिक्कत है जितनी भी एक्सी हुई सब में आवाज टक 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 कर कर के पीछा सी में सी ले ना सस्पेंस में आवाज सी आई में को यार। नई गाड़ी भी 2040 सर्विस ना करवाई हैगी कराऊं यार 4-5 दिन लग यो ठीक काम है। यूरिया कैपेसिटी बता दे, 36% बच रहे यूरिया। हाँ तो यार कुछ जैसे चाल जावे एक सॉरी पूरो 20,000 10,000 10 से 15 फालतू चाल जावे तो 3-3.5 20 लीटर यूरिया डला है तो 3-3.5 लीटर यूरिया बच रहा होगा। देख रहे ना तो छठे फिर बच रहा है पूरी फिर छोड़ लगा। हाँ ठीक है यार, एक बस या इतनी बढ़िया गाड़ी में यार आवाज सूट ना करे सस्पेंस की। हाँ वो तो है। पावर पूर्ण चेंज करा दूँ मैं का सिस्टम ही महिंद्रा का ओरिजिनल तो बाहर से सब कर वगैरह ही ओरिजिनल तो लांग भाई व्यवस्था करेंगे दिक्कत ही है सब क्या कोई समाधान ना करियो फिर। एक तो बार कही थी उन्होंने फिर मैंने YouTube पे देखा फिर कई ने शिकायत करा कि मैं वो तो कोई रिकॉल आ गया पई जब भी करेंगे। एक दो बार रिकॉल तो आई है भाई, एक तो क्लच को पार्ट चेंज हो गया था पहला और उनके पास डिस्प्ले वगैरह अपडेट करता ही रही बैठी जो ये बहुत हैंग है सोया ये डिस्प्ले बहुत हैंग वराशी होया गुठा जी। दोनों ये कदे आप भेज जाओ पूरी हैंग है से पूरी हैंग हो जाओ चल के ना दियो यार चाल के मतलब कई बार तो जैसे ऑन ना है या खाली दिखाती रहे पूरी और एक बार तो लाइन आ गई थी सारी में ही थोड़ी देर बाद सॉफ्ट सॉफ्ट लगाए थे हम पेन ड्राइव डाल के अपडेट करी तो घनी बुराई करने मिल जी महिंद्रा की। हाँ महिंद्रा की बुराई करो जम के, जो कमी है वो कमी है ही इसके अंदर। बाकी गाड़ी में बैठे बात तो कती प्राइवेट जेट जैसी फीलिंग आवे है। तो जैसे हाईवे जैसे ऑफ रोड पर इतनी बढ़िया कोने है। हां क्योंकि आवाज वगैरह आवे है और एक सस्पेंशन सॉफ्ट ज्यादा सॉफ्ट है वो भी दिक्कत ही करे और हाईवे की जो स्टेबिलिटी है ना ये बहुत तगड़ी है। बहुत बहुत स्टेबल चल रहा है हाईवे पे, स्टेबिलिटी तो बढ़िया है गाड़ी की, ब्रेकिंग इतना अच्छा है, कंट्रोल बहुत बढ़िया है, एक्सेलरेशन भी बढ़िया है। गाड़ी वैसे तो ठीक है पर बस कितना रुपए की पड़ी थी ऑन रोड भाई? ये पड़ी थी 20-20.5 की लगा ले तो 20.5 की 20.5 में फिर या 20,000 किलोमीटर में ये हाल हो गया। फिर अपना रोड भी बेकार था ना, रोड को भी इनके में फर्क पड़ता होगा वो चीज पड़े ही नहीं पड़े हैं। देख देख कैसी आवाज आ पीछे, हां ये आवाज आ रहा है। ये दिखा, ये सॉरी सुपर पट्टा के स्लिप पॉइंट तो 20,000 में तो रबड़ के पार्ट्स की तो गारंटी देंगे को ना, बाकी और जो पार्ट्स है उनकी तो गारंटी देवेंगे। यार महिंद्रा भी तेरा ना दारू पी के गाड़ी बनाओ कॉम्प्रोमाइज कर दे वा ज्यादा फीचर देने के चक्कर में। जैसे मान ले सब कुछ दे दिए गाड़ी में, यूं दे दियो वो दे दियो, उन चक्कर में छोटी मोटी चीजों पर ध्यान ना दियो जो चीज बहुत जरूरी है। गई ये जी टोयोटा कर रहा है वो फीचर ना दे लेकिन जो देव है वो शायद देव है कि सॉलिड फीचर है टोयोटा 10 साल तक देखें जो सर्विस ड्यू है उसको रिमाइंड करो ना। इंजन इंजन सेटअप तो ठीक है यार, कती मस्त एकदम आवाज 1% ना करे तो पावरफुल भी है 185 निकालता है बीएचपी का आसपास दे 420 कुछ न्यूटन मीटर। हां ये
उस हाईवे टाइप में ही गाड़ी से अपने लोकल रोड पे कोई ना सक्सेसफुल ना होगी गाड़ी। देख देख हाँ हाँ आवाज आ रही है। मैं चौक गो यार 20,000 के, मैं 30-40,000 की बारी है। हाँ अच्छा की बारी है मैं ही बुढ़ ले गो आवाज में यार सस्पेंस में आवाज आओ बहन चो फिर दे चेक करो 20,000 ही यार ये तो चालो है 20,000 में यार शाल लग गो फिर उन कई सीन है महिंद्रा को एवरेज ऊपरे तो सही दे है ना एवरेज दे दे भाई 15 ग्राम से 15 की दिखा रही है एवरेज 15 से फालतू जाता है। इतनी ऐसी गाड़ी में सो सिस्टम सूट नहीं करे पावर मोड ब्रो देख ये पटन दो गाड़ी मुझे हाईवे पे काम दियो बस हां पूरा तो ना ना चलाई जा रहा है एंड रोड पे चलाई भी ना जा रही एकदम सी पावर निकालो फुल एकदम दिया मजा भी घटा देती होगी हाँ पर तो पड़े यार देते चला हूँ कोई बात नहीं रॉकी टी बनाया कती अपना फोन दी बस एमरजेंसी ब्रेकिंग में एमरजेंसी ब्रेकिंग अच्छा बहुत करे यार इन्हें तो सिस्टम में कर दी भाई उठ लगा दे कोई दिक्कत